अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं छत पे आई हूँ, मैंने नहीं कोई व्लॉग रिकॉर्ड किया। उस टाइम आते सर मैंने वीडियो का सेटअप किया और मैं वीडियो बनाने लगी, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है ना वो वीडियो बना रही थी, उस दिन मैं बोल नहीं सकती थी। मैंने सोचा मैं भी वीडियो का सेटअप लगा के वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ जल्दी से। तो अभी मैं आई थी 2:38 पे ऊपर, तो मैंने कहा कि जब तक असर का टाइम होता है तब तक मैं जितना भी काम हो सकता है उसे कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जाके देखूँगी क्या करना है। ठीक है, तो अभी मैंने ना ये पीटी सीमेंट की वीडियो बनाई है और इसको मैं अब पता नहीं शेप्स बनाऊँगी या नहीं। तो मैं अच्छा ये मैं टेक्सचर बाहर निकाल लूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैंने क्या करना। ठीक है, साथ रहिए। अच्छा मैंने आपको ना एक चीज़ दिखानी थी कि ये है मेरा बड़ा टब। ठीक है, जब मैं छोटे टब से टेक्सचर को निकालती हूँ तो मेरे टेक्सचर के चंक इजीली बन जाते हैं, लेकिन जब बड़े टब से हम कोई टेक्सचर निकालते हैं तो वो पॉसिबल मतलब इतना नहीं होता कि टेक्सचर के चंक्स बनेंगे या नहीं। तो मैं आज आपको ये वाला टब दे रही हूँ हाफ। अगर फुल हो तो फुल तो हम टर्न कर नहीं सकते टेक्सचर, अगर टेक्सचर से फुल टब भरा हो ना हम इसको टर्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत हैवी होता है और टूटने का भी खतरा होता है। लेकिन अगर मैक्सिमम इतना टेक्सचर है जितना आपको शो हो रहा है इस टब में, इतनी क्वांटिटी में टेक्सचर है आपके पास टब में, तो अगर आप इसको टर्न करोगे तो ये टेक्सचर जब इतनी स्पेस इसके अंदर देखिए ना, इतना गैप है इसके अंदर, तो जब वो टेक्सचर इतने गैप से ज़मीन पर गिरता है तो उसके खुद ब क्रम्बल हो जाता है या टूट जाता है। अगर ज़्यादा पानी में है तो वो थोड़ा सा बाइंड रहेगा, लेकिन अगर वो सॉफ्ट ज़्यादा मतलब कम पानी में आपने क्रम्बलिंग की है तो वो गिरते ही पाउडर या क्रम्बल हो जाएगा खुद बहुत। तो जब भी चंक्स बनते हैं वो या तो पानी बहुत ज़्यादा टेक्सचर में हो तो बनते हैं, या टब आपका छोटा हो क्वांटिटी मसलन क्रम्बलिंग के लिए। जैसे मैं छोटा टब, अब मुझे अक्सर अच्छा गोलास मार कहते कि मेरे कभी भी चंक नहीं बने हैं अच्छे से। तो गोलास मार अगर आप चाहती हैं ना कि आपके टेक्सचर के चंक बने हर दफ़ा, तो आप टब के अंदर टेक्सचर को कुछ छोटे टब में आप अगर क्रम्बलिंग कर रही है ना, ठीक है, अगर जैसे मैंने अब अपने टब्स में टेक्सचर को खुद ही तरतीब से सेट करके रखा है, अगर इतनी साइज़ में आपके पास टब है ना, आप उसके अंदर टेक्सचर को सारा फिट करके अच्छे से एक दो दिन के लिए छोड़ दो, और अगर नहीं ना कोई आपसे के चंक नहीं बनेंगे सही से, तो उसकी ना आगे कोई शीट नहीं है उस टब के साथ जोड़ के उसको ईजिली नीचे रख दो, आपका पूरा का पूरा टब का शेप जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसा निकलते हैं या नहीं निकलते। ठीक है, ये टब है और ये मेरा फुल भरा है। तो मैंने टब को चैन कर दिया, इतना हसनी था। अच्छा ये देखिए टब ने टर्न कर लिया आपके सामने, जितना टेक्सचर इतना था मैंने फिर भी इसको टर्न कर लिया, टेक्सचर बाहर आ गया अभी है अंदर। ये देखिए नीचे गिरने से टूट जाता है, वो जो छोटे वाले टब होते हैं वो फुल भरे होते हैं, तो जब ज़मीन के साथ लगता है टब तो टेक्सचर को ना वो ज़्यादा बिखेरता नहीं है। ये जो होता है बड़ा टब, इसमें आप कभी भी जल्दी बना सकते हैं। अगर आप छोटे टब में ट्रेवलिंग कर रहे हो तो वही पॉसिबल होता है चंक बनेंगे आपके टेक्सचर के। ठीक है, ये देखें ये पेस्ट है, तो ये चंक नहीं बने क्योंकि ये काफ़ी क्वांटिटी में इसमें पानी चला गया है। कुछ लोग होते हैं कि टब को निकालने के बाद छोड़ देते हैं, छेड़ते नहीं हैं, तो चंक वहीं पे सेट हो जाते हैं, फिर क्रम्बल कर लेते हैं अजान वाले, फिर बाद में करते हैं काम शुरू। अच्छा ये देखें मैं ये टेक्सचर जो है पेस्ट वाला
मैंने आपको पहले बताया था जो बड़े टब वाले टेक्सचर होते हैं उसके चंक नहीं बनते, अगर आप चंक बनाना चाहती हैं तो उसके लिए छोटे टब यूज़ करें, ठीक है। तो पूरा पूरा टब आएगा और पानी ज़्यादा टेक्सचर में अगर आप यूज़ करके बनाएंगी ना चंक, तो परफेक्टली चंक आपके बनेंगे, अदरवाइज नो चांस। और ये देखिए खुशबू सुबह जान करीब थोड़ा नाक बंद है, खुशबू है ये देखे। अच्छा ये देखिए मैंने सारा टेक्सचर साइड पर लिया है और जो ये है ना टेक्सचर ये देखिए इसका डैम क्रबलिंग कर लेते हैं, हाँ तो पता नहीं अंदर आते हैं कि नहीं। कलर पर नहीं बनाई है नहीं, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ ना टैम को टेक्सचर से निकालने के बाद और छेड़ूँ ना तो फिर ना टेक्सचर के चंक वहीं पे बन जाए, ये देखिए देखिए ये सारा ना टेक्सचर बहुत भी सॉफ्ट है, अब ये जो है ना हम इसको इक्वली मिक्सिंग कर लेंगे इसकी, तो मैं ये शेप लेकर आई हूँ, मेरे का स्मैशिंग करेंगे इसकी बना के भाई बाजार से जाके ना रिसेंटली गया इंशाल्लाह पे अम्मा जी इंशाल्लाह मैंने शेप से कर दी आम वाली शेप लाना आम वाली नहीं जान ऐसी शेप नहीं मुझे अच्छी लगती अच्छा मैं ये शेप लेकर आई हूँ टेक्सचर की बना लेंगे मेरे पास स्मैशिंग कर लेंगे इसकी बना के ना ज़्यादा सारी तो स्मैशिंग मज़े की लगेगी ये देखिए ये वाली ठीक है तो चलें इसकी बनाते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं पीछे इतना शोर चल रहा है पता नहीं बना पाती हूँ या नहीं। अच्छा मैंने ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ पर देखें साथ वाले घर में इतना शोर आ रहा है ना, हाँ ये बेमकसद जो शोर करते हैं ना लोग मुझे उनसे बहुत इरिटेशन होती है, चलो किसी काम के रिलेटेड बंदा कर भी ले कोई मशीन वगैरह चल गई तो चलो सही है लेकिन जान के जो शोर डालते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पर रज के गुस्सा आता है रज के। अच्छा ये है कि मैंने ना ये टेक्सचर की शेप सभी कर दी उस टाइम इतना शोर था अभी भी देखिए शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, मैंने ना इसकी ये शेप बना दी थी मैंने कहा बाकी शेप्स मैं आपको बनाते हुए दिखा दूँगी थोड़ी बहुत बट वेदर मुझे कह रहा है कि पैन तो रिस्क लेनी पड़ी खैर कोई नहीं अगर मुझे लगा कि बारिश होने वाली है शोर ही नहीं बंद करे। अच्छा तो अगर ये बदतमीजियाँ हो रही है मैं क्या बोलूँ। अच्छा तो मैं आपको बाकी का टेक्सचर जो है वो इधर शेप बना के दिखाती हूँ थोड़ी बहुत ठीक है अगर मुझे मुमकिन हुआ तो। पता नहीं वीडियोस बनाते थे बनाते मुझसे क्यों नहीं टीम करे बड़ी हो रही है मुझे मुंह तोड़ के आऊं तोड़ो।
ये मुंह टूट के भी नहीं बंद होगा। ये देखिए ऐसे करके टैप 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 टैप, ठीक है। ये देखें ऐसे ही होता। अच्छा ये देखिए, ये मैं शेप इस तरह बना बना के आपको दिखाई जाती है, बड़ी ठीक है। क्या बीवी ने बजा लगा वो भी बड़ी बात। अमेज़न जान भैंस क्या के बीवी बजाते हैं बाजी ना। आज कुछ आया था जान वो क्यों नहीं आई, उनकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं उनकी तली में तेरे कर सकते हैं। बादल वाइट है, काले तो नहीं आ रहे, आसमान को देखो जान बादल सफेद है। ओहो, अगर ये बारिश ना हुई और ये शेपें ड्राई हो गई तो इनकी स्मैशिंग वीडियो बहुत मज़े की बनेगी। ठीक है, एंगल चेंज करते हैं और बाकी जो शेप्स हैं वहाँ जाके निकालते हैं। चले जी चले जी, आधी शेप जो है हम यहाँ निकालते हैं। अच्छा ये देखें, अच्छा ये देखें, चलो वो शेप तोड़ना के दिखाती हूँ, फिर मैं ये इधर टाटा करती हूँ इस काम को। छोड़ना बाहर की लकड़ी हो सकता है, इधर नहीं हो सकता। अच्छा जी ये देखिए, ये मैंने ओके ये देखिए सारी लास्ट शेप, बाकी जो है मैं बना के अब कंप्लीट दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये मैंने सारी रेडी इतनी कर ली है और अभी उतनी बाकी टेक्सचर रहता है वो कंप्लीट कर लूँ, फिर मिलते हैं। अच्छा ये मैंने सब शेप्स निकाल ली हैं, अब रह गई है एक शेप जिसको मैंने कहा मैं आपके सामने निकालती हूँ, ब्लॉग को ट्यूटोरियल को जो ये हुए थे एंड करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए सही है, तो ये मैंने आपके साथ कंप्लीट जो भी है शेयर किया है जितना भी पॉसिबल हो सका है। अब मैं दूसरा काम देखती हूँ, ठीक है। अच्छा करती हूँ, तो वो बस थोड़ा सा ही टेक्सचर है कि उसको समेट लूँ और पूरा काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ, पूरा काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ हो पाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में, हो पाएगा अन्ना ब्लॉग को इधर ही एंड कर रही हूँ मैं, अगर मुझे मुमकिन हुआ बनाना तो मैं बना लूँगी, नहीं तो फिर थे बाय बाय। ये देखे डर्ट जो है वो ऊपर से तो सूख गई है लेकिन अंदर से भी डैम्प है। मेरे टब पड़े हैं, मैं कोशिश करूँगी इनको पूरा बाहर निकालने की ताकि आप लोगों को चंक बनाते हुए दिखा दूँ, ठीक है। मेरे जो टब इतने हैवी नहीं है, उनको कोशिश करूँगी बाहर निकालने की, अदरवाइज़ मैं एक पक्का वाला प्रॉमिस तो नहीं कर सकती कि भाई निकाल के पूरे टबों को दिखाऊंगी, जो टब्स पॉसिबल हुए वही टब्स को मैं बाहर निकालूंगी टेक्सचर्स को, ठीक है। ये देखिए मेरी ब्राउन डर्ट है जिसको मैंने सूखने के लिए रखा हुआ है, देखेंगे ये ब्राउन टब जो है मैंने इसको भी उल्टाया ना जब इसने भी टूट जाना है, टूटने तो क्या कर सकती हूँ, काम भी तो करना है ना मुझे। मैं अब इसी डर से बैठी रहूं कि टब टूट जाएंगे, कुछ करना नहीं है, टेक्सचरों को बाहर नहीं निकालना, तो मेरा काम तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। देखिए सेट हो गया, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसकी मैं चंक बना के ही आपके साथ शेयर करूं।
ये जो मेरी ब्राउन लाइट है देखिए, सही है, ये बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए सही है। चीज़ चेक करने लगी हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ ये डर्ट अंदर से ड्राई हुई है या नहीं, ऊपर से ही लग रही है ड्राई, अदरवाइज अंदर से हुई है या नहीं, तोड़ के देखते हैं। ये देखें अंदर से हल्की सी डैम्प है, ये देखें अंदर से डैम्प है हल्की सी। चलिए इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, वेट इतना लाइट, जितनी ये लाइट वेट में होगी ना उतना ही इसका ड्राई होने का पता कि ये ड्राई हो गई है। अगर ये हैवी है और सही से क्या कहते हैं ड्राई नहीं हुई तो ये हैवी शेप होगी, क्योंकि ये टेक्सचर डैम्प बहुत वजनी होता है, और जैसे जैसे ये ड्राई हो जाता है ठक 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 ठक, जैसे जैसे ये ड्राई होता है ओफ, अच्छा जैसे जैसे ये ड्राई होता है इसका वेट लाइट हो जाता है, इसकी ये एक पहचान है ड्राइनेस की कि ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है, अदरवाइज वरना ये ना, देखिए अभी डैम्प है, ये देखिए डैम्प डैम्प टेक्सचर की यही खासियत है कि ये खासियत खैर निशानी है कि ये क्रम्बल ईजिली होता, ये डर्ट वाला, इसकी खुशबू सूंघती जैसे गाची नहीं होती, सेम वैसा है। मैंने ना शीट ऊपर दे के रख दी है ताकि ये ना मुझे आसानी रहे रात को पढ़ाऊँ तो बारिश वाला मौसम हो तो मैं इधर ही शीट दे दूँ ऊपर। तो चलिए मैं इसको इधर छोड़ती हूँ, और जो ये लिक्विड है इसके अंदर मैंने सीमेंट मिला के रखना, ब्लैक डर्ट बनानी है ये, तो चले ये भी देखते हैं क्या होता है इसका। तो ला 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 मैंने अपना प्योर डर्ट जो है मेरी सीमेंट प्योर सीमेंट का टेक्सचर बना के रखा है, उस दिन का ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें इतनी डस्ट पड़ चुकी हुई है टेक्सचरों की कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, और ये मेरा टेक्सचर भी हल्का हल्का ड्राई हो गया है अच्छे से, अब थोड़ा बहुत डैम्प है क्योंकि मैं इसको कवर करके रख रही हूँ तो धूप इतनी प्रॉपर नहीं लग रही है, वरना ये देखिए कितना पाउडरी है। ये देखिए ये भी अंदर से हल्का सा गीला है, ये जब अंधेरी चलती है ना फिर ये डस्ट बड़ी उड़ती है टेक्सचरों की, और ये वाइडर तो सूखने का नाम ही नहीं ले रही, शक्ल इसने मनहूस बना ली हुई अपनी, और मैं ये सोचूं कि जो मेरे पाउडर टेक्सचर इसको निकाल के ना ये अपने लिक्विड वाले टेक्सचर में डालती हूँ, इसका जो लिक्विड निकलेगा वो हम यूज़ कर लेंगे, जो सैंड होगी वो हम इस टेक्सचर में वापस डाल देंगे, ठीक है। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि बहुत सारे मुझे काम करने पर आके, लेकिन यकीन करें कोई काम भी सही से नहीं हो पाता, चंक भी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं मेरे, तो रोज़ाना दिल चाहता है कुछ ना कुछ करके दिखाऊं आपको, सिखाऊं कुछ जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ, पर कर नहीं पाती है। नहीं भाई नहीं, मैं बहुत अपने काम को लेके स्ट्रिक्ट हूँ, मैं लोग शोर बर्दाश्त नहीं कर सकती है ज़रा भी काम में, मैं शोर काम में आ जाते नहीं आ जाता ना, मुझे इरिटेशन होती है, मेरा दिमाग मुझे लगता नहीं भी आ रहा मोबाइल में शोर, लेकिन मेरा दिमाग ऐसे उस तरह लग जाता है, मैं कहती हूँ आवाज़ें अलग लग गई, मैं रुक जाती हूँ खुद बहुत, हालांकि मुझे पता है मोबाइल नहीं कैच करा लेकिन जहन डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा ये देखें मैं ना आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ कि ये मेरे पास है रिब्रिक्स, मैंने दो रेड कलर की ना मंगवा के रखी हुई हैं, आए दो ब्रिक्स है मेरे पास रेड कलर की ऑरेंज कलर की, मैं सोचूं कि इनको क्रश करके ना मैं इसको अपनी रेड डर्ट में मिला दूं, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे बताया अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी रेड ब्रिक्स का इसको क्रश करने का, एक ये है मेरे पास ये देखें और एक मेरे पास वो है, तो मैं इन दोनों को क्रश करके अपनी रेड डर्ट में मिला दूंगी, और रेड डर्ट का लिक्विड जो डर्ट वाला थोड़ा डर्टी टाइप कलर है डर्ट हो गया, हाय हाय जो मैला कलर हो गया वो फ्रेश हो जाएगा, सही है। तो अभी के लिए मैं इधर ही एंड करती हूँ,
और आपसे मिलूंगी मैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अभी के लिए इजाज़त होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह इस टब को टर्न करके कल इसके चंक्स बना के आपको दिखाऊंगी और वो जो मर्ड वाला टेक्सचर उसको भी ठीक करना है कल, तो उसके किनारे अपने छोड़ दिए ड्राई वगैरह। कल मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।